इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा केप बनाना, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये सिलाई कैसे चलता है, आप लोगों को यही समझ में नहीं आता है। ये वाला सिलाई एक सिलाई से चला हुआ है, पूरा वीडियो को देखिएगा जब ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो, बीच में मिस मत कीजिएगा और भगाइएगा नहीं वीडियो को आगे। ये देख लीजिए कितना अच्छा केप है, ठीक है। आप एक बार देखने के बाद में दोबारा आप खुद से बना लीजिएगा केप, ठीक है। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हमारे चैनल पर नए देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इसमें हम पैटर्न काटेंगे ऊपर का, ये 3.25 इंची और इधर भी 3.25 इंची, 6.5 इंची का चौड़ाई रहेगा, ठीक है। डबल फोल्ड करके हम कटिंग कर रहे हैं और ये सीधा कर लेंगे और इसको गोल काटेंगे। थोड़ा आगे के साइड में थोड़ा पतला रहेगा। ये देखिए, यहाँ से 7.25 इंची पे मरका मार लिए। अब इसको गोल करेंगे, देख लीजिए किस हिसाब से करेंगे, ध्यान से देखते रहिए आप। ऐसे गोल कर लेंगे, ठीक है। ये हमने गोल कर लिया, अब इसको कटिंग कर लेंगे। ये पैटर्न काट रहे हैं फिलहाल। पैटर्न काटने के बाद में इसी के साइज का एक पेस्टिंग काटेंगे जो कोट में लगता है, ये देख लीजिए। अब इसको, ये कोट का पेस्टिंग है पतले वाला, अब इसी साइज का हम कटिंग कर लेंगे इसको गोल, ठीक है। ये हमने कटिंग कर लिया, अब इसको हम चिपका लेंगे कपड़े पे। ये हमने चिपका लिया है इसी साइज का, देख लीजिए, ये चिपका लिया हमने। प्रेस भी दिखा देते हैं आपको करके। उसके बाद में इस साइज का एक कटिंग कर लीजिएगा, प्रेस से चिपका लीजिएगा ये पेस्टिंग को। ये 4.25 इंची है और इसका लंबाई 25 इंची लमसम में ले लीजिएगा, काट के बाद में कम कर लीजिएगा, 23.5 इंची के करीब में लगेगा इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा फालतू ही रख लीजिएगा। इसको एक सिलाई मार लीजिएगा, सिलाई मारने के बाद में इसको आगे के साइड में रख लीजिएगा इस हिसाब से रख के, और एक सिलाई यहाँ पे किनारी किनारी में चला देंगे ताकि यहीं पे रुका हुआ रहे, और इसको बाद में कटिंग कर लेंगे इसको। यह हमने कटिंग कर लिया, ठीक है। ये ऊपर का है, टॉप में लगेगा, और ये वाला छज्जी बनाएंगे, देख लीजिए किस हिसाब से इसको मार्का मारेंगे। ये रख करके सेम टू सेम मरका मार लेंगे इसी साइज़ का। ये आपको चाहिए तो बताइएगा, लेकिन 1000 पीस से कम नहीं मिलेगा। 1000 पीस मिलेगा तभी, 1000 पीस ही मिल पाएगा, उससे कम नहीं मिल पाएगा। आप बताइएगा तो हम बता देंगे आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये हमने मरका मार लिया, अब कटिंग कर लेते हैं इसको सेम टू सेम। ये कटिंग हो गया सेम, और फिर इसके अंदर से एक सूत और कपड़ा काट करके छोटा कर लेंगे दोनों को। दोनों को काटने के बाद में फिर एक इसमें से ले करके एक को और छोटा करेंगे, वो रहेगा नीचे साइड में। ये हमने ले लिया, अब इसको मोड़ करके एक सूत और कम कर लेंगे, ये नीचे साइड में रहेगा और जो बड़ा वाला है वो ऊपर साइड में लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए इसको। आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप देखते रहिए। आप एक बार वीडियो देखने के बाद में आपको कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा वीडियो देखने के लिए। ये देख लीजिए छोटा है। अब ये उरेबी में कपड़ा काट लीजिएगा 1.5 इंची का लमसम, 1.25 इंची 1.5 इंची के लमसम में ऐसे सिलाई कर लीजिए, और ऊपर से लव सिलाई चला दीजिएगा ऐसे। उसके बाद में इसको भी रख करके, ये छोटे वाले को अब रख करके सिलाई चलाइएगा। ये सिलाई चला लिया हमने, इसको भी एक साइड पलटी करके सिलाई चला लेते हैं। ये सिलाई हमने चला लिया, अब इसके अंदर ये छज्जी डालेंगे। मेन आपको चीज़ दिखाएंगे जो छज्जी को कैसे सिलाई मारते हैं, मेन उसमें उसको देखना बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है आपको। ये ऐसे किनारी में सिलाई चला लीजिए,
सिंगल बूट से चलाइएगा, किनारी में बिल्कुल सिलाई ऐसे खींच करके अब सेंटर कर लीजिए इसको। सेंटर करने के बाद में अभी आपको बताएंगे कैसे, ये सेंटर का कट लग गया। अब देखिए इसको कैसे सिलाई करना है सो समझिए, आप इस हिसाब से कट कर लीजिए। कट करने के बाद में देखिए ये सेंटर और ये सेंटर मिला करके ऐसे घुमा करके यहाँ पे एक कपड़ा रख करके, ये वाला ये भी उरेबी में कपड़ा रहेगा जो ब्लैक वाला कपड़ा है, ये देख लीजिए ये 1.25 इंची है, इसको रख करके ऐसे लंबा सिलाई चला लीजिए ताकि डिजाइन बन जाएगा। अब इसको देखिए कैसे हम सिलाई चलाएंगे, ये देख लीजिए सही से समझिए इसी चीज़ को। यही चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आएगा चलाने के लिए सिलाई, ये देखिए ये काला वाला जो कपड़ा है ना ये उरेबी में है कपड़ा, इस हिसाब से रख लीजिए और यहाँ से चलाना शुरू कीजिए मशीन दोनों को एक साथ। और ये जो प्लास्टिक है ना, जो छज्जी का प्लास्टिक है, उस पर सिलाई नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल उसके किनारे में सिलाई चलना चाहिए। सिंगल बूट का बूट आपका सिंगल होना चाहिए, देखिए इसमें सिंगल बूट दिख रहा है आपको, एकदम आराम आराम से सिलाई चला लीजिए। आप देख लीजिए किस तरह से सिलाई चल रहा है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, छोड़ के मत भाग जाइएगा पहले ही, आपको सही तरीके से सारे चीज़ समझा देंगे, पूरा आपका ये कैप कैसे बनेगा। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आराम आराम से देखते रहिए। देखो ये कितना अच्छा से सिलाई हो गया है दोनों साइड में, ये देख लीजिए अच्छा से सिलाई हो गया। अब ऊपर वाले को इसको आगे साइड से एक सेंटर कर लेंगे और पीछे साइड से भी सेंटर कर लेंगे, ठीक है। अब ये आगे वाला, आगे वाले साइड से, आगे वाला जो पतला है वो आगे साइड में है, ठीक है, ये आगे वाला ये पतला साइड में है आगे, इसको बीच सेंटर से सेंटर करके बिल्कुल ऐसे बराबर कर लेंगे, पहले बराबर करके और पीछे साइड से सिलाई मारेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने सिलाई मार लिया चारों तरफ, उसके बाद में ऐसे करके एक सिलाई मार लेंगे यहाँ से, ऐसे सिलाई मारने के बाद में आप देखते रहिए वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, अगर देख लेंगे एक बार तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर में ऐसे एक बार ये वाला पट्टी चला लेंगे, ये काला कपड़ा लेकर के आप चला सकते हैं ऐसे, उरेबी में होना चाहिए काला कपड़ा, इस हिसाब से गोल चला लीजिएगा, बिल्कुल सही चलाइएगा। और उसके बाद में ऊपर से सिलाई चला लीजिएगा इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा सिलाई और ऐसे गोल चला लीजिएगा पूरा ऊपर में, ठीक है, एक सिलाई लब पे। और उसके बाद में यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा 2 इंची करीब में, 2 इंची सवा 2 इंची करीब कट कर लीजिएगा पीछे साइड में। इस हिसाब से कट करने के बाद में इसमें भी जो कपड़ा लगेगा मोड़ने के लिए, इसको मोड़ने के लिए वो उरेबी में काटिएगा कपड़ा, उरेबी में ये देख लीजिए उरेबी में काटा हुआ है। अब इसको सिलाई कर लेंगे ऐसे, ऐसे सिलाई करने के बाद में सिलाई कर लीजिए, अब इसको भी मोड़ करके सिलाई कर लेना है ऐसे, ठीक है, ये सिलाई हो गया। अब इस पट्टी को लेना है ऐसे और यहाँ से ऊपर से सिलाई मारना है, ठीक है, इसको भी रख लीजिएगा बराबर, बेलकरों को काट करके बना लीजिएगा इसको। अब यहाँ से सिलाई करिएगा इस जगह से ऊपर से चला के, मतलब कोने पे थोड़ा बांध दीजिएगा, इस जगह पे थोड़ा सा सिलाई बांध दीजिएगा ताकि फटे ना। उसके बाद में लव सिलाई मारते जाइए वहाँ तक और वहाँ पे लास्ट में बेलकरों लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो कॉमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा मेरा उम्मीद है। ये देख लीजिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए किसी यार दोस्तों में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा।